आइए ये रमदान में हम इरादा करें और आप सबके सामने मैं एक पैगाम पहुंचा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस जज्बे को शेयर करिए, बात करिए अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। वो रमज़ान के जज्बे को ज़िंदा करने की कोशिश करिए, वो रोज़े के जज्बे को ज़िंदा करने की कोशिश करिए। ये ऐसे ही ना चले जाए ये रमज़ान हमारे हाथों से, तो बहुत अफसोस की बात है, बहुत बदबख्ती की बात है। तो आइए मेरे भाइयों मेरी बहनें, ये रमज़ान के असल मकसद पर फोकस करते हैं। लाल लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा सीख लो। तकवा वो प्यारी चीज़ जिससे जन्नत में एंट्री है। जन्नत किसके लिए तैयार की है? अल्लाह ने तकवे वालों के लिए तैयार की है। तकवा वो प्यारी चीज़ जिस चीज़ से हमें अल्लाह की मदद दुनिया में मिलती है और जिस चीज़ से आखिरत में अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबी मिलती है। तकवा वो प्यारी चीज़ जिससे इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाले, इज्जत सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा तकवे वाले की। तकवा वो चीज़ जिससे सही और गलत की पहचान मिलती है। तकवा वो चीज़ जिससे दुनिया में रिस्क भी मिलता है और अल्लाह ताला रास्ता भी निकालता है, मुश्किलों से बचाता भी है, मुश्किलों में से निकालता भी है। तो वो चीज़ हासिल करके जाना है इंशाल्लाह। आपको कुछ और नहीं करना है, आप जैसे हो वैसे रहेंगे, लेकिन तकवे के साथ नेकी वाले बन जाएंगे।